चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल। हमारा आज का प्रैक्टिकल है स्टार्च की टेस्ट करनी है हमें आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से। रिक्वायरमेंट आपको स्क्रीन पे दे रखी है, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको लेनी है। पाउडर लेना है, अगर आपके पास स्टार्च पाउडर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है आलू को क्रश कर सकते, उसका जूस भी ले सकते हैं। बट हमारे पास में स्टार्च पाउडर अवेलेबल है तो हम स्टार्च पाउडर लेंगे। हम यहाँ पे पहले जो है स्टार्च पाउडर का डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। आप सॉल्यूशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना लीजिए। हम यहाँ पे रैंडम स्टार्च पाउडर ले रहे हैं। अब स्टार्च पाउडर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिए। पानी मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास में स्टार्च का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। आप आलू को क्रश करके भी ले सकते हैं। फाइनली हमारा सॉल्यूशन बनने के बाद इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आपको अमाउंट लेना पड़ेगा, 4 से 5 ml आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास में जो आयोडीन सॉल्यूशन रखा है, आप ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो आयोडीन है आप इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि धीमे धीमे आपकी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर है वो चेंज होना चालू होगा। हमें जो एक्सपेक्टेड कलर है वो हमारे पास ब्लू टू ब्लैक कलर चाहिए। अगर ब्लू टू ब्लैक कलर आ रहा है मतलब हमारे पास में टेस्ट पॉजिटिव, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अभी देखा आपने हमारे पास में लाइट ब्लैक कलर मिला, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, डाइल्यूट था। बट हमारे पास में अब हम जो अगला आप देख पा रहे स्क्रीन पे, ये हमने डायरेक्टेड कॉन्सेंट्रेट पाउडर ले रखा सीधा टेस्ट ट्यूब में। हमारे पास में इस बार जो अमाउंट है स्टार्च की बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस बार जो कलर अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा बहुत ही डार्क देखने को मिलेगा। देखो मैंने कंपैरिजन दिखा दिया है कि विदाउट स्टार्च मेरे पास डार्क स्टार्च है, इसलिए मेरा वाइट कलर किसमें दिख रहा है। अब मैं इसमें आयोडीन ऐड कर रहा हूँ ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब आप देखिए, जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही डार्क ब्लैक कलर आपको बहुत क्लियरली आपको इसमें दिख रहा है स्क्रीन पर। डार्क ब्लू कलर और डार्क ब्लैक कलर आपको इस बात का इंडिकेट करता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च की टेस्टिंग के लिए आप लोग ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसी प्रकार की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के चैनल को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बायोलॉजी के सारे प्रैक्टिकल आपको इसी प्रकार से 1 by 1 आने वाले हैं, तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।